चैनल मौर्या स्नैक्स। आज के रेस्क्यू काल गोंडा डिस्ट्रिक्ट के खड़ुआ गांव से मौका पे हम पहुंच चुके हैं। यहां पे नाग नागिन का जोड़ा निकले हुए हैं बताया गया है और हम इस स्नैक को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुके हैं। और बताया जा रहा है कि छत के ऊपर बैठ के धूप ले रहे हैं, तो चलते हैं स्नैक को रेस्क्यू करते हैं और उन्हें रेस्क्यू करके फॉरेस्ट में रिलीज किया जाएगा, जहाँ पर अपना जीवन आसानी से व्यतीत करेंगे निर्भय होकर के इंसानी बस्ती से दूर। तो चलते हैं स्नैक को रेस्क्यू करते हैं। और बताया जा रहा है इसी छत पे जाने का ये रास्ता है। बैठा है, आप देख सकते हैं वहां पे कोबरा स्नेक। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए बहुत जल्दीबाजी करना पड़ेगा वरना ये भाग जाएंगे। और यहाँ पे एक नहीं दो सांप दिखे हैं। और ये काफी तंदुरुस्त कोबरा स्नेक है, इन्हें लेके चलते हैं बाहर, पैक किया जाता है। और ये बेहद आक्रामक है, आप देख सकते हैं काला नाग, बेहद खतरनाक आक्रामक। हम लेके चलते हैं बाहर। और इसने काफी तंदुरुस्त है, ये बढ़िया मत आवे दो नहीं माता जी, आप निश्चित रहिए। काफी आक्रामक है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग। आप इनकी खूबसूरती को देख सकते हैं। मुद्रा में बना हुआ है क्या
और आप देख सकते हैं व्हाइट लेने के चक्कर में, काटने के चक्कर में कैसे दौड़ लगा रहा है। और उन्हें पैक करते हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। किंतु बताया जा रहा है कि नाग नागिन का जोड़ा देखा गया है। रुका रहो भैया, और उसने को पैक करते हैं। और बताया जा रहा है यहाँ पे और भी स्नेक दिख रहे हैं, उन्हें भी देखते हैं, रेस्क्यू किया जाता है। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बताया जा रहा है और वहाँ पर और भी स्नेक चलते हैं, देखते हैं, उन्हें भी रेस्क्यू किया जाता है। और यहाँ पे हम स्नेक को रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा फॉरेस्ट है। स्नेक यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेगा, इंसानी बस्ती से दूर हट करके। आप देख सकते हैं कि ये कितना इन जानवरों के लिए खूबसूरत जगह है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें पर्याप्त शिकार मिला करेंगे। सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। और हम स्नेक को फॉरेस्ट में डाला करते हैं क्योंकि इन्हें को आवश्यकता पड़ी थी तो इन्हें रेस्क्यू करवाया जाता है। जिनके जार से अनेकों प्रकार के मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें फॉरेस्ट में संरक्षित करना अनिवार्य होता है। और हम फॉरेस्ट के तरफ चल चुके हैं और हम सबको किनारे नहीं डालते, बीच जंगल में डालते हैं, क्योंकि इंसान को कोई डिस्टर्ब ही ना हो और ये इंसानी बस्ती से दूर हो। टेस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत कर सकेगा निर्भय होकर के। और मौका पे हम पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं हम लोग स्नेक को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। जंगल के बीच में कैसे कैसे रास्ता बना हुआ होता है। और इस जंगल में हिंसक पशु भी रहते हैं, कभी कभी विशाल काय अजगर से मुलाकात हो जाती है। अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि अपने कलर को कैसे चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं काला हुआ भी सांस भरता है तो सफेद होता है, क्योंकि इसके शरीर स्केल में काफी जगह होती है जो कि सफेद होती है। जब ये अपने आप को फुलाता है शरीर को, टफ होता है, तो आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है कैसे। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। आप इसके फन पे बने हुए स्पेक्टिकल को देखिए, कितना खूबसूरत स्पेक्टिकल बना हुआ है, जो कि इन्हें भगवान शिव का माला माना जाता है, जो कि भगवान शिव इन्हें गले में धारण करते हैं। ये वही स्नेक है। इनका साउंड है ये, आप देख रहे हैं कैसे अटैक लिया।
ऐसे ही अटैक मारते हैं और अटैक करके ही अपने शिकार के ऊपर हमला करते हैं। उनके हम इनका हमला भी अचूक होता है, अगर सावधान न हो ये वाइट कर ही लेंगे, काट ही लेंगे। आप इनके टाइप को देख सकते हैं। और इनका स्वभाव में काफी अच्छा लगता है, ये पूरी पूरी काटे मुद्रा में है, ये शरीर अगर थोड़ा और टाइट हो जाए, ढीला हो जाए, ये और ये वाइट की स्थिति में बने हुए हैं। आप देख सकते हैं इनका पूरा प्रयास है कि हमारे हाथ तक ये पहुंच जाएं। अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि पे ध्यान देते हैं। ये इस स्थिति में काफी प्यारे लगते हैं। अगर इस स्थिति में पा जाएगा तो वाइट कर लेगा, जरूर वाइट कर लेगा। और अभी जाना चाहता फॉरेस्ट में से जाने देते हैं, क्योंकि हम इन्हें रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं इसने कितना खूबसूरती के साथ फॉरेस्ट में जा रहा है। बढ़ के लीजिए, बढ़ के लीजिए। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरती के साथ इसने अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा रहा है। यहाँ पे एडजस्ट करके अपना जीवन आसानी से व्यतीत करेगा, इंसानी बस्ती से दूर। बढ़ के लीजिए, बढ़ के लीजिए। और इसने अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा चुका है। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।